हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं एक डीजे एम्पलीफायर। अभी आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास में रखा हुआ है, ये बेसिकली ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है, क्लास ए बी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सबसे अच्छी बात जो कि है ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से आपके दिमाग में इमेज में ये आ रहा होगा कि प्रोडक्ट की जो कि क्वालिटी है वो तो ठीक ठाक होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पे इस एम्पलीफायर की कॉस्टिंग भी जो है वो इससे पूरा का पूरा जस्टिफाई करती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कितना जस्टिफाई करती है, प्लस लोड जो है वो क्या ले सकता है, ये टेस्टिंग अनबॉक्सिंग सब कुछ दिखा दूंगा। प्राइसिंग डिटेल्स भी आपको पता चल जाएगी, कहाँ से अवेलेबल होगा यानी आप तक कैसे पहुँचेगा वो भी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, और आफ्टर सेल सर्विस की भी कुछ जानकारी इस वीडियो में ज़रूर दूंगा मैं आप सभी को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जज्बात चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं पैकिंग डिटेल्स, और ओवरऑल इस एम्पलीफायर की पैकिंग पे कोई आपको डिटेल्स नहीं देखने को मिलेगी। ओवरऑल सिंपल एक साधारण यहाँ पे 5K जो है वो मेंशन करा गया है, यानी 5000। और मैं यहाँ से इसको टैप को निकालता हूँ, इससे पहले भी मैं यहाँ पे इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ जो कि टेस्टिंग करनी होती है मुझे। आप टेस्ट करने के बाद अगेन आपके पैकिंग करने के बाद उसके बाद मैं दोबारा इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं पैकिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब अब पहले की जो कि मेरे पास आया था यही वाला एम्पलीफायर, तो उसके अंदर इस टाइप की पैकिंग नहीं थी, तो कंपनी ने यहाँ पे पैकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा गया है, एक अच्छी बात है। मतलब अगर आप पैकिंग अच्छी दे दो और यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो क्या ही कहना। और किसी भी इंडियन प्रोडक्ट के तक जितने भी मैंने अभी अनबॉक्स करे हैं जो भी एम्पलीफायर ड्यूल चैनल के लिए इंडियन एम्पलीफायर में बेसिकली, और इस टाइप की पैकिंग मुझे मिली है, चारों तरफ यहाँ पे थर्माकोल दी जाती है, वो मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से है यहाँ पे चारों तरफ जो कि थर्माकोल की पैकिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों तरफ जो है वो थर्माकोल की पैकिंग रहती है। साथ ही साथ इसमें जो कि है वो आपको कैटलॉग जो है वो मिल जाती है, तो यहाँ पे ये कैटलॉग है एक छोटी सी, ये देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्विक गाइड टाइप का जो है वो एक मिल जाता है, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ एक ये वारंटी कार्ड जो है वो मिलता है, और जो कि हमारा मेन यूनिट वो मैं अभी यहाँ पे दोस्तों आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रियल ऑडियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन करा गया है डीजे 5000 यानी 5000। यहीं अगर आप देख सकते हैं तो ड्यूल चैनल क्रॉसओवर यानी दोनों चैनल में आपको जो है वो क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। जब उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी क्लास पावर एम्पलीफायर इस बात का बुधन है, यानी ए बी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करी गई है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास चैनल 1 का नोब हो जाता है, चैनल 2 का नोब हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सेपरेट चैनल्स पे जो कि इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, पावर ऑन का है, फॉल्ट का और एम्पलीफायर ऑन का है। यहीं पे आप देख सकते हैं जो कि आपको ये लेवल इंडिकेटर भी दिए जाते हैं चैनल 1 से, यहाँ पे आपको 10 dB से लेके यहाँ पे आपको 0 dB और क्लिप का जो है वो यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फ्रंट के डिटेल सेम उस चैनल पे भी है, वेंटिलेशन यहाँ से हो जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों टोटल 4 फैंस का यूज करा गया है जो कि मैं यहाँ पे आपको अंदर खोल के भी एक बार दिखा दूंगा। तो ये तो हो जाता है दोस्तों फ्रंट की डिटेल्स। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं एम्पलीफायर का बैक साइड में हमें क्या क्या डिटेल्स जो है वो मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो कि है एयर वेंटिलेशन, यहाँ पे आपको एक फैन दिख रहा होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर 4 फैंस का यूज़ करा गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो कि इनके क्रॉसओवर्स हैं वो आ जाते हैं। अभी इसके अंदर दोस्तों यानी दोनों चैनल्स के अंदर अलग अलग क्रॉसओवर्स दिए गए हैं, चैनल बी और चैनल ए, तो आप यहाँ से सिंपल सबवूफर ऑन या सबवूफर ऑफ जो है वो लो पास ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और बीच में एक ये जो है वो स्विच मिल जाता है मोनो और स्टूडियो करने के लिए। सिंपल से हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये रीसेट का जो है वो बटन देखने को मिलता है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स जो है वो सॉकेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पास इनपुट जो है वो दोस्तों यहाँ पे आप बैलेंस और अनबैलेंस दोनों कर सकते हो। ये TS है और ये आपका XLR है, तो आप चाहे इससे इनपुट कर दीजिए और इससे आउटपुट ले सकते हैं, या फिर इसमें इनपुट कर दीजिए आप इससे भी आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं, ये अर्थिंग के लिए हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे इंडियन एम्पलीफायर बेसिकली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये जो टर्मिनल्स दिए गए हैं उसी हिसाब से दिए गए हैं कि आप इजिली इनको यूज़ कर सकें। अदरवाइज अगर आपको इन स्पीकॉन्स का यूज़ करना है तो यहाँ पे आपके पास स्पीकॉन्स के भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। तो 2 स्पीकॉन्स हो गए और यहाँ पे ये 2 आपके टर्मिनल सॉकेट्स हो गए दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग। बाकी ये हमारा सेकेंड जो है वेंटिलेशन हो जाता है सेकेंड चैनल के लिए, प्लस यहाँ पे इसमें भी फैन जो है वो यूज़ करा गया,
पावर कॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वही आपको 16 एम्पेयर का जो है वो प्लग देखने को मिलता है, जो कि आप इंडियन सॉकेट्स के अंदर 16 एम्पेयर के अंदर वो आप इसमें लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है ये 16 एम्पेयर, और क्वालिटी वाइज और लेंथ वाइज यहाँ पे ठीक है ये प्लग की क्वालिटी। ओवरऑल ये है बैक साइड, चलिए बाकी डिटेल्स भी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी की, तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मॉडल्स का यूज़ करा गया है, चैनल 1 और चैनल 2। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4 फैंस, जो कि 1, 2, 3 और 4 फैंस ये हो जाते हैं, और यहाँ पे इसमें जो कि काम करा गया है वो आप अभी देख सकते हैं। और ये जो है वो मेन, ये आप देख सकते हैं इस पर कवर करा गया है, ये है पावर सप्लाई। अगर मैं इनकी कैपेसिटर की वैल्यू की बात करूँ तो इसमें 63 यानी 63 वोल्ट 22,000 UF के जो है वो कैपेसिटर्स का यूज़ करा गया है। टोटल कैपेसिटर की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कैपेसिटर, यानी 4 इसके लिए, 4 इसके लिए। और अगर मैं इसका बैक साइड की कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी सेफ्टी दी गई है, जो कि हम जिसे कहते हैं ऑडियो कार्ड। और अगर मैं फ्रंट की डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे रिलेज का अगेन यूज़ करा गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं रिलेज, जो कि आपको ऑन करने के बाद 2-3 सेकंड का जो कि टाइम लगता है वो इन्हीं के ही वजह से लगता है। और ओवरऑल ये हो जाता है चैनल 1, चैनल 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स, जो कि जहाँ पे प्लेसमेंट है वो ये वाला बोर्ड पे प्लेसमेंट होता है। ऑन स्विच ऑफ बटन भी आप नीचे देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स की, तो वो भी हमें एक बार ज़रूर गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 12, 24 इसमें है, 24 इसमें है, तो 48 ट्रांजिस्टर्स वाला ये एम्पलीफायर आप कह सकते हैं। और ओवरऑल हीट सिंक जो है वो ब्लैक कलर से पेंट करी गई है, अगेन ये जरी जरी सी चीज़ें जो होती हैं वो देखने वाली होती है, और फिनिशिंग को एक तरीके से एनहांस भी करती है। ओवरऑल ये है दोस्तों एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, चलिए बाकी जानकारी भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एम्पलीफायर फ्रंट और बैक की डिटेल से जरूर नीचे कमेंट्स बताना, और साथ ही साथ जैसे कि हमने इंटरनल पार्ट की क्वालिटी दिखाई, एक एक पार्ट्स की क्वालिटी आप यहाँ पे देख चुके हैं। अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और बाकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रेल ऑडियो ब्रांड की तरफ से आता है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो DJ 5000 इसको जाना जाता है, 5000 से मतलब ये 5000 वाट का एम्पलीफायर है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इसमें जो कि पावर है, यानी आपको पावर चैनल जो कि 2 ओम्स की ये मैक्स पावर होती है, ये आपको 2350 वाट जो कि यहाँ पे कम TSD पे देगा, और 2500 वाट जो कि आपके पूरे TSD पे आपको आउटपुट जो है वो दे देगा, यानी 2500+2500 जो है वो आउटपुट 2 ओम्स पे आपको मैक्स ये निकाल के दे सकता है। यही अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों जो कि 4 ओम्स है, 4 ओम्स पे मैं आपको पर्सनली जो कि लोड है इस पे मैं डालने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप हैवी रेंज की जो है वो टॉप्स को अगर तैयार कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आपके पास यहाँ पे 800+800 के टॉप हैं, तो आप इस पे इजीली डाल के चला सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 1000+1000 का, यानी 4 इंची 4.5 इंची के बेस भी हैं, तो इजीली आप इस पे एक चैनल पे 2 स्पीकर्स को रन कर सकते हैं। बाकी यही अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसका जो कि डेब्बे फैक्टर है, क्लास AB एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे डेम्पीफेक्टर्स का दोस्तों पर चैनल से जो है वो 8 ओम्स पे 400 आपको देखने को मिलता है। इसलिए यही मैंने कहा कि अगर आप इसको टॉप के साथ में यूज़ में ले रहे हैं AB क्लास के एम्पलीफायर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉप्स के साथ में या फिर कुछ मिड हाई जो कि आउटपुट के लिए होता है उसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बाकी डिटेल्स छोटी मोटी सी वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके जो चेक कर सकते हैं। और रहती है टेस्टिंग के बाद, तो अभी मैं डाल रहा हूँ इस पर थोड़ा सा ओवरलोड, यानी लोड है वो ज़्यादा डाल रहा हूँ। पर्सनली भी मैं ऐसे ही टेस्ट करता हूँ, और पता है आप सभी को कि पहले मैं टेस्ट करता हूँ देन फिर आपके पास ही आता है। तो चलिए आप जो कि टेस्टिंग है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, और बेस कौन सी है, क्या यूज हम सामान कर रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिल दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे अभी हमारा एम्पलीफायर लग चुका है। अगर मैं लोड की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 2 बेसेस में, और इन 2 बेस का अगर वॉइस कॉल के साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 5-5 इंची वॉइस कॉल है, ऊपर एक हमने लाइनर दिया हुआ है, प्लस जो यहाँ पे जो कि लाइनर के लिए एम्पलीफायर है वो हमारे न्यूट्रन प्लस का, जो कि यहाँ पे सब ब्रांड है रियल ऑडियो का, इस बात का आपको ध्यान देना है। वहाँ पे हमने एक लाइनर के लिए ये एम्पलीफायर दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं कनेक्शन की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन भी दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। ये जो हमारा प्लेयर है दोस्तों, इस प्लेयर से मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है जो कि यहाँ जाता है, और सिंपल मैंने यहाँ पे कोई भी क्रॉसओवर यूज़ नहीं किया, इनबिल्ट मैं क्रॉसओवर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्टूडियो मोड पे मैं चला रहा हूँ। और यहाँ से मैंने इसको पैच करने के लिए बेसिकली मैं अभी तो एक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। आप पैच करने के लिए मैंने यहाँ पे वायर को यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, तो ईजी कनेक्शन है, कोई वो नहीं है। वॉल्यूम्स को मैंने बेस का वॉल्यूम को मैंने फुल करा हुआ है, देख सकते हैं,
जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बेस के वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे फुल करा हुआ है। तो अभी चलिए जो कि यहाँ पे टेस्टिंग रहता है वो मैं आपको यहाँ पे पूरे अपने इस एम्पलीफायर की सेटअप्स की पूरी दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट ये एम्पलीफायर हमें देता है। तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही होगी। और कैसे दोस्तों कह रहा है इसने परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, लोड में यहाँ पे 5 इंची यानी 5 इंची वॉइस कॉल वाले स्पीकर को यूज़ कर रहा था क्योंकि वो उस कैबिनेट में वही एक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा देती है। तो मुझे लगा कि चलिए आपको एक लोड जो है वो ज़्यादा डाल के भी दिखाना चाहिए, तो मैंने डाला। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्लास ए बी एम्पलीफायर पे टॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, टूम्स पे यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर
चार इंची वाले आपके पास सबवूफर्स हैं सिंगल सिंगल्स, तो आप इसको चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा ये। और अगेन पीछे आपको बैलेंस और अनबैलेंस दोनों जो है वो इनपुट आउटपुट मिलते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। क्रॉसओवर के जहाँ तक मुझे लगा जो कि इसका फिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, क्रॉसओवर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं तो क्रॉसओवर लगा लेना, लेकिन अगर आप जनरली स्टार्टअप कर रहे हैं इस एम्पलीफायर के साथ में क्रॉसओवर लेने की ज़रूरत नहीं है। रहती है बात दोस्तों यहाँ पे जो कि इसका फ्लैट केस है, उसको भी ऐसा डिज़ाइन करा गया है। अगेन ये मेड इंडिया प्रोडक्ट है, तो आपको लगता है कि फ्लैट केस इनके मिलेंगे नहीं, ये इस टाइप का डिज़ाइन करा गया कि आप इजिली मार्केट के फ्लैट केस के अंदर इसको डाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रहती है बात दोस्तों यहाँ पे परचेज करने की और बाकी जानकारी, तो यहाँ मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइसिंग लिख देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब तक कैसे पहुँचेगा वो मैं बता देता हूँ। तो ये आपके पास दो तरीके से पहुँच सकता है, एक तो कॉरियर सिस्टम से होता है, उससे भेजा जाएगा, दूसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि यहाँ पे आप कहते हैं ना बिल्टी टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे भेजा जाता है। तो इसमें आप दोनों तरीके से जो है वो अपने घर तक मंगवा सकते हैं। और रहती बात पैकिंग में आपको दिखा चुका हूँ, तो डैमेज का कोई चांस ही नहीं होता है। रहती है बात आफ्टर सेल सर्विस, तो सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाइज जो है वो आप देख चुके हैं, पार्ट्स की जो कि अंदर है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि हमें वो पार्ट्स भी अगेन ख़राब हो जाता है या फिर कुछ सर्विस आपको चाहिए, तो आप कंपनी से या फिर मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करनी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।